इस दूसरी लघु कथाएं ज्योति जैन ने नीम का पेड़ में लेखिका ने पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करने की बात कही है। तो प्यारे छात्रों, बाउंड्री वॉल में जो बाधा बन रहा है नीम का पेड़, वो आखिर काटने का फैसला लिया गया। तो प्यारे छात्रों, घर के सामने कार रखने के लिए दिक्कत हो रही है तो पुराना नीम का पेड़ काटना जरूरी है। फैसला लिया गया कि नीम का पेड़ काट दिया जाए। आखिर बेटा राजेश अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हमें कार रखने की दिक्कत आ रही है, इस पेड़ को काट दिया जाए या इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। बूढ़े काका कहते हैं ठीक है और चुप हो जाते हैं। छात्रों, तभी राजेश की समझ में आ जाता है, राजेश पापा की काका की चुप्पी को जान जाता है और कहता है कि जो काका जरा जरा सी बात पर अपना रौब दिखाते थे, जरा जरा सी बात पर अपना रौब झाड़ते थे, आज वही काका चुप है, वही पापा खामोश है। ये देखकर राजेश, बेटा राजेश जान जाता है। छात्रों, ये बात ज्योति जैन जो समझाने की कोशिश कर रही हैं, आप छात्रों समझ लीजिए। इस प्रस्तुत भाग का, लघु कथाएं का ये सबसे बेहतरीन उद्देश्य है कि जब बेटा राजेश जो बाउंड्री वॉल के अंदर पेड़ का, नीम का पेड़ जो दिक्कत दे रहा था, उसको काटने का फैसला लेता है, लेकिन जब रोब जमाने वाले काका खामोश हो जाते हैं तो राजेश जान जाता है कि कहीं तो पापा नाराज हैं। वहीं पर पापा की नाराजगी, बड़ों की भावनाओं का आदर करते हुए फौरन राजेश अपने बाप की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि पापा आज तो फादर्स डे है, आज हम फादर्स डे मनाएंगे और इस दिन, इस फादर्स डे के दिन मैं आपको एक गिफ्ट करना चाहता हूं। और बेटा राजेश अपने बाप के लिए जो गिफ्ट लाता है वो देखने लायक है। वो एक थैली में एक पौधा लाता है और पापा की ओर बढ़ा देता है और कहता है पापा ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, ये इसमें एक पौधा है, ये पौधा आप वहीं लगाइए जहां पर हमारा पुराना पेड़ है। और उस बूढ़े पापा के चेहरे के ऊपर एक नई लहर दौड़ जाती है और वो पापा भी जो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमारा पुराना पेड़ भी बच जाएगा और नया पौधा भी वहीं लगा दिया जाएगा। तो ये बड़ों की भावनाओं की आदर और बड़ों की भावनाओं का सम्मान इस लघु कथाएं में नीम का पेड़ को लेकर बताया गया है। तो प्यारे छात्रों, याद रखिए, भविष्य में ज्योति जैन का ये वाकया आपके बहुत काम आएगा। यहीं पर हम रुकते हैं, आज्ञा दीजिए।